सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Xiaomi के फ़ोन के साथ जो आपके एयरबड्स होते हैं उनको इसे डिसकनेक्ट कर सकते हो अगर आपने कनेक्ट करें तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अब हमको डिसकनेक्ट करने के लिए सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लूटूथ का, ठीक है। आप देख सकते हो ब्लूटूथ का ऑप्शन है यहाँ पे, हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा पहले से जो कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरा एयरबड्स पहले से कनेक्टेड है उसका नाम आ चुका है, यहाँ पे ब्लू हो रखा है, पूरा कनेक्टेड लिखा रहा है नीचे। तो उसको डिसकनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो पेट्रोन TWS के नाम के बगल में एक कुछ आपको एरो टाइप का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है, इस टाइप का। सिंपली आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं आप कुछ आप इसे सर्विस पे आ जाओगे, ठीक है। इस पर सर्विस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सर्विस में मत आओ, ठीक है। सिंपली ब्लूटूथ पे क्लिक करते ही यहाँ पे पेट्रोन जो आपका नाम है इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डिस्कनेक्ट डिवाइस का। सिंपली आप डिस्कनेक्ट डिवाइस कर देना, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरह अपने Xiaomi के फोन के साथ अपने एयरबड्स को डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।